subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. जागतिक कॅन्सर दिनाच्या निमित्ताने अपोलो कॅन्सर केंद्र नवी मुंबई तुम्हाला कर्करोगातून वाचलेल्यांना आणि कॅन्सर आणि कोविड या दोन प्राणघातक रोगांशी झुंज देणाऱ्या आरोग्य सेवा योद्ध्यांना प्रेरित होण्यासाठी अपोलो कॅन्सर केंद्र द प्रिंट मोहीम हा कार्यक्रम आयोजित केला होता, जेथे कॅन्सरपासून वाचलेले डॉक्टर, परिचारिका आणि काळजी घेणारे एकमेकांवर कौतुक व कृतज्ञता व्यक्त करून द हँड प्रिंट कॅम्पियन बनवल्या. कॅन्सरवर मात केलेल्या नागरिकांनी त्यांचे अनुभव शेअर केले. दीज वर दी थिंग्स विच वर गोईंग ऑन इन माय माइंड. फायनली आय केम टू यु नो टू कट अ लॉंग स्टोरी शॉर्ट, आय फायनली केम डाऊन टू अपोलो हॉस्पिटल. वॉट वॉज अमेझिंग अबाउट अपोलो हॉस्पिटल वॉज वन कॅन एक्सपेक्ट द डॉक्टर्स टू बी गुड. द डॉक्टर्स वर अमेझिंग ऑल. डॉक्टर अनिल डिक्रूज, द डॉक्टर हू वॉज इन चार्ज, डॉक्टर दे, then Dr. Tejinder Singh, and the one my wife was coordinating with, one Dr. Santosh Sahu, was like a sudden, you know, angel, and from where he came, I don't know. I think it was Dr. Anil D'Cruz who introduced him to my wife, one who gave all the support and help and anything she wanted, even when I was, you know, going through that phase of, you know, going through that treatment. But what I liked about this hospital was, like I said before, you expect the doctors to be very good, they're professionals. But what I got surprised was the support staff. That is the nurses, the technicians, the male nurses. We were feeling like family here. The moment I entered, it was not only me, it was my wife also. Every second step we took, we always got a hello uncle, hello auntie, and with a beautiful smile. That was a lot of things for us, for a cancer patient, that you get all that support. And I thank this hospital, and I thank all the doctors, that they really helped us. Thank you so much. आई बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेशेंट और मुझे यहाँ पे सब स्टाफ अच्छे, मतलब इवन द नर्स, फ्रॉम नर्स से लेके डॉक्टर तक, एवरीबडी इज़ वेरी कर्टियस और उनको याद भी रहता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो लोग इतने लोगों से मिलते हैं, हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है. बट कभी कभी ऐसे पेशेंट जब बन के आते हैं, कभी कभी अपने नाम से वो बुलाते हैं, वो जानते हैं हमारा प्रॉब्लम बेसिकली क्या है. एंड इट इज़ ईच वन इज़ टेकन केयर लाइक अ फैमिली. वो बहुत बहुत ज़रूरी है जब आप पेशेंट हो के हॉस्पिटल में आते हो, स्पेशली व्हेन देयर इज़ कैंसर. जो है सब कुछ इंटरनल होता है, बाहर कुछ दिखता नहीं है. उसके बीच में वो जब पहचानते हैं, वो अपने जानते हैं कि अपना प्रॉब्लम क्या है, और उसके द्वारा वो व्हेन दे डू एंड दिस सारथी प्रोग्राम, आई फील बहुत ही अच्छा है. क्योंकि सारे पेशेंट को मेडिकल एडवाइस देने के लिए बहुत सारे लोग हैं. मेरा नाम ऋचा भार्गव है और पिछले 3 साल से मैं अपोलो हॉस्पिटल में सारथी प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ. और जो हम लोग काम करते हैं यहाँ, वो पेशेंट्स को योग के सहारे से, जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो दर्द से भी परेशान होते हैं, दूसरा इनसिक्योरिटी बहुत होती है, अनिश्चितता होती है, सहन करते करते बहुत परेशानी की स्थिति होती है. तो योग से कैसे उनको एक तो उस लाइफ को सेटल करने में मदद मिल सके, और थोड़ा 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 अपने बॉडी को रिवाइवल कैसे कर सके, मन को स्टेबल कैसे कर सके, ये सब हम लोग करते हैं. और तसेच डॉक्टरांनी देखील जागतिक कॅन्सर दिनाच्या निमित्ताने अधिक माहिती देत काळजी कशी घ्यावी ते सांगितले. आय एम डॉक्टर संदीप डे, आय एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट. सो ऑन वर्ल्ड कॅन्सर डे आय लाईक टू पुट यू अ मेसेज, व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, दॅट कॅन्सर इज कॉन्करेबल अँड कॅन्सर इज ऑल्सो प्रिव्हेंटेबल. सो इफ यू लुक ॲट इट, मेजॉरिटी द प्रॉब्लेम इन इंडिया इज मेजॉरिटी ऑफ अ पीपल दे प्रेझेंट विथ व्हेरी ॲडव्हान्स्ड स्टेज कॅन्सर. So I would like to say that the most important thing is about cancer is awareness. So we need to spread awareness in every aspect which is possible. And the second most important thing is the preventing aspect of it. So definitely where possible, in case of breast, in case of the gynecological malignancies, we can have a good screening program. So people should come forward to avail of those screening programs.
टुडे जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उस मौके पर जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी परफॉर्म किया, थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मेरा जो डांस का डांस के साथ कैसे बेनिफिशियल है कैंसर और एनी बेनिफिट फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड, हाथ पाँव हम हिलाते हैं उसके साथ जब म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है मूविंग योर हैंड एंड मूविंग योर एंटायर बॉडी एंड द म्यूज़िक, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स द बॉडी विथ माइंड एंड जो हैप्पीनेस वाला फील होता है दैट्स बेनिफिशियल फॉर एनी थिंग। और कैंसर के साथ मैं क्यों जुड़ी, बिकॉज एक मैंने मेरे क्लास के थ्रू एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड द रीच आउट प्रोग्राम ऑफ स्प्रेडिंग लव। उसमें बिकॉज आई हैव सीन कैंसर इन माय फैमिली, सो आई नो हाउ इट इज़ एंड हाउ द पेशेंट दे गो थ्रू, सो एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस कि एवरी फ्रिक्वेंटली वी शुड डू समथिंग। तो उसके लिए मैंने मेरे डांस क्लासेस के साथ एक लिंक कर दिया कि एवरी मंथ वील डू समथिंग परफॉर्मेंस या फिर एनी थिंग बर्थ सेलिब्रेशंस। लास्ट 3-4 ईयर्स से आई एम इन कनेक्टेड विद सेंट जूड्स, देन एक्ट्रेक, फिर यहाँ मंगलम फाउंडेशन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहू हियर हु इनवाइटेड अस। विजन अली, साई पावर्स, प्रिया जोंसर रिपोर्ट, नई मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।